अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बदिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के बाग लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। आउट। मदद कीजिए ना। सुमन, अगर तुम बुरा ना मानो तो हमारे सैंडल हॉल तक ले आओगी? आप ठीक लग रहा है? हाँ, पहले से बेहतर है। नमस्ते। तन्मय, आइए ना। सुमन, ये आपके लिए। शुक्रिया। क्या मैं सुमन से अकेले में बात कर सकता हूँ? अगर आपको एतराज ना हो तो। चलिए। सुमन कितनी खुशकिस्मत है ना, तन्मय उसे कितना प्यार करते हैं, वो तन्मय के साथ बहुत खुश रहेगी। कार्तिक जी, हमारी बात को गलत मत समझिएगा, वो हम यही कहना चाहते थे कि कितना अच्छा लगता है जब कोई किसी को इतने प्यार से फूल दे। तो हम जानते हैं कि हमें आपसे ऐसे तोहफों की अभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको थोड़ा और वक्त चाहिए हमारे करीब आने के लिए। कार्तिक जी, हम इस बात से बहुत खुश भी है कि अपनी नाराजगी के बावजूद आपने हमें अपने लायक समझा। हम इंतजार करेंगे उस पल का जब आप खुद हमें अपनी पत्नी होने का हक देंगे। चलें।
कार्तिक जी, हम अपना पर्स भूल गए, हम अभी ले आते हैं। मैं बाहर गेट पर इंतजार कर रहा हूँ। जी। पूछ रही होंगी कि मैं यहां अचानक क्यों आ गया। दरअसल मुझे आपसे एक बहुत खास बात करनी है। सुमन, मैं 13 साल का था जब मैंने अपनी आवाज खोई। कुछ बोल नहीं पाता था मैं, लेकिन सबकी बातें सुनता था। उन बातों में से जो बात मुझे सबसे अच्छी लग गई, वो बात याद रह गई। उस बात का संबंध प्यार से। मैंने सुना था कि जरूरी नहीं कि आप अपना जीवन साथी उसे बनाएं जिससे आप प्यार करते हैं, बल्कि उसे अपना जीवन साथी बनाएं जो आपको खुद से ज्यादा प्यार करता हो। सुमन, मैं आपको खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूं। आज मैं अपने दिल पर हाथ रखकर ये कह सकता हूं कि मेरा प्यार आपके लिए जिंदगी भर कम नहीं होगा। लेकिन ये सब कहने का हक मुझे तब है जब मैं ये जान लूं कि आपकी मर्जी क्या है। जब तक ये नहीं जान लेता कि आप मेरे प्यार और हमारे रिश्ते को एक और मौका देने के लिए तैयार हैं या नहीं। मैं आपको सारी खुशियां देना चाहता हूं, बस उन खुशियों के लिए आप मेरा हाथ थाम लीजिए। ये मेरी इच्छा है, मेरा अरमान। आप इसे माने ये जरूरी नहीं है। मैं उस पल का जिंदगी भर इंतजार करूंगा जब आप मेरे प्यार को प्यार से स्वीकार करेंगे। अगर आपको मेरे दिल की बात समझने में और अपने दिल को समझाने के लिए वक्त चाहिए तो ले लीजिए, बस सिर्फ एक मौका दे दीजिए आपका दिल जीतने के लिए। अच्छा, मैं चलता हूं, अपना ध्यान रखिएगा। सुमन, अगर आप हां कहेंगी तो मैं उसे अपनी अच्छी किस्मत समझूंगा। अगर आप ना कहेंगी तो मैं उस ना को भी अपने दिल में एक जगह दे दूंगा। मगर हाँ, मेरा प्यार एक मौके का तो हकदार है, उसे एक मौका जरूर दीजिएगा।
मन में बात हुई सुमन से? मतलब बात हुई। हम बहुत खुश हैं बेटा। अच्छा अब हमें ये बताइए, क्या बात हुई सुमन से? आपने सुमन से कहा कि आप? बड़ी माँ, मैं थोड़ा और वक्त चाहता। माना कि मैं सुमन से बहुत प्यार करता और मैंने उससे ये कह भी दिया, लेकिन मैंने उसे मजबूर नहीं किया जवाब देने के लिए। थोड़ा मिलेंगे, एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे तो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। बड़ी माँ, मैं चाहता हूँ कि सुमन को मेरी प्यार की गहराई का अंदाजा, उसे एहसास हो कि मैं उसे जिंदगी भर खुश रखूंगा। हम समझ सकते हैं बेटा, जिंदगी भर के फैसले के लिए अगर थोड़ा सा वक्त लगे तो इसमें कोई बात नहीं। तन्मय, सुमन को वक्त चाहिए, आपको वक्त चाहिए, लेकिन हम अपनी जिंदगी में खुशियां आने और इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब हमें कुछ करना होगा। कार्तिक जी, कभी कभी तो काम से फुर्सत निकालनी ही चाहिए ना, वरना इंसान मशीन बनकर रह जाता है। हम आजकल आपको देख रहे हैं, हमेशा काम काम और सिर्फ काम। काम को नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता ना। कार्तिक जी, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन हनीमून के लिए थोड़ा वक्त तो निकाला ही जा सकता है ना। हनीमून के लिए जाना हर पत्नी हर दुल्हन का अरमान होता है। क्या आप हमारा ये अरमान पूरा नहीं करेंगे? और यही काम की बात, वो तो जिंदगी भर चलता रहेगा। दादाजी है ना, और पापा भी सब कुछ संभाल लेंगे। ये लीजिए, ये ब्रोशर्स देखिए। अभी आपको जहां जाना है हम वहीं जाएंगे, आप डिसाइड कर लीजिए। अच्छा, हम कपड़े बदल कर आते हैं, तब तक आप ये देखिए। तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त हो तो मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। हिल स्टेशन या बीच रिसॉर्ट? मतलब मैं अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने कहाँ जाऊँ? तुम्हें क्या लगता है, क्या अच्छा लगेगा नंदिनी को? कहाँ जाकर उसे ज्यादा खुशी मिलेगी? मैं कुछ ब्रोशर्स लाया हूं, इन्हें देखकर अपनी राय बता दो। हमें लगता है कि ये जगह आपको और नंदिनी जी को बहुत अच्छी लगेगी।
दुनिया की भीड़भाड़ से दूर, यहाँ के शांत वातावरण में आप दोनों को एक दूसरे को समझने का समय भी मिलेगा और एक दूसरे का साथ आएगा। और पति पत्नी का रिश्ता और भी करीब हो जाएगा। और आपके और नंदिनी जी के बीच का प्यार और नजदीकियां और भी बढ़ जाएंगी। किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? दिल तो है कार्तिक जी, लेकिन अब इस दिल का आपसे तो क्या, हमसे भी कुछ लेना देना नहीं। हम दोनों नदी के उन दो किनारों की तरह है जिनकी नसीब में मिलन नहीं, सिर्फ और सिर्फ दूरियां होती है। और हम दोनों के दिल जितनी जल्दी इस बात को समझ ले हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। नहीं सुमन, पत्थर दिल लोगों की आंखों में आंसू नहीं आते हैं, उन्हें दर्द नहीं होता है, और तुम्हारे आंसू तुम्हारी दर्द की कहानी को साफ साफ बयान कर रहे हैं। तुमने चाहे अपने होठों को सी लिया, अपने दिल को मार लिया हो, लेकिन मैं भी देखता कब तक तुम अपने दिल के इस एहसास को दबा कर रख सकती हो, क्योंकि एक ना एक दिन ये एहसास जुबान पर आकर आएंगे। चीटिंग है जयजी, पहले आपने कहा था कि आप सिर्फ 10 दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं, और अब आप कह रहे हैं आप पूरे 1 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। अगर ऐसा ही था तो अभी शादी क्यों की, अमेरिका से आने के बाद ही शादी कर लेते ना। बेटा, हम आपकी नाराजगी समझ सकते हैं, अभी अभी तो आपकी शादी हुई है और इतनी जल्दी इतनी दूरी, आप दोनों तो हनीमून पे भी नहीं गए। आप लोग ये काम क्यों नहीं करते, जय के अमेरिका जाने से पहले आप दोनों एक दिन के लिए कहीं घूम आइए। आप दोनों ऐसा करिए, आप गली चले जाइए। जय बेटा, कंचन के मायके वालों को फोन कर देना, कार्तिक और नंदिनी की भी नई नई शादी हुई है, उन्हें भी कहना आप लोगों के साथ चलने के लिए। सब हम उम्र लोग साथ में मिलके जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगा, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा रौनक, उतना ज्यादा मजा। और हाँ, तन्मय और सुमन को भी साथ में ले जाइएगा।